किस तरह से आप देखते हो, आप क्लोजली फॉलो किए, आप अंदर भी जा सकते, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत चैलेंजिंग शो है जेल में रहना, एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन जैसे सिचुएशंस में ये रहे हैं, मैंने उनके बेड्स वेड देखे, वॉशरूम्स देखे हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी शो, आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग शो, और मुझे लगता है कि जो भी टॉप 5 है बहुत डिजर्विंग है और बहुत अच्छा से अच्छे से खेले हैं, एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शो. यू रिसेंटली एंटर्ड द Oh, I think it was amazing being the warden, especially along with the jailer Karan, and बहुत मज़ा आया. I think वो episode बहुत मज़ेदार था, हमने बहुत बात की और अच्छा लगता है. I think obviously memories थोड़ी बहुत ताज़ा हुई, but at the same time it was very different क्योंकि इस बार मैं दूसरी साइड पर थी और मैं अंदर आके लोगों को पूछ रही थी वो उनका खेल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इट वाज सिमिलर, लाइक मेमोरीज ताज़ा हुई, बट एट द सेम टाइम बहुत अलग. इफ यू वर इन द शो, डू यू थिंक यू वुड हैव वन दिस? Yes. Okay, so you have followed this show very closely. So who are your top 3 contestants, and who do you see as a winner? I cannot answer that because मैं भी इस शो का हिस्सा रही हूँ, भले फिर वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना हूँ रही हूँ, पर एज अ वार्डन आई डू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द शो, और इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती. इस शो के जेलर आपको कैसे लगे? इस शो के जेलर बहुत अच्छे हैं, और जेलर जैसे नहीं है, आई थिंक सब उनको उनसे एज अ जेलर की तरह डरने से ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस, लाइक एवरीबडी लव्स करते हैं. गाइस, लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट की अगर बात करूँ तो कौन रहा है? मैं उसका जवाब नहीं दे सकती. आई थिंक सभी बहुत अच्छे से खेले हैं, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि एंड में हमेशा एक ही विनर होता है, पर जर्नी सबकी उतनी लंबी होती है. सो मुझे सभी कंटेस्टेंट, सभी कैदी बहुत अच्छे. छोटा स्टेज था एज अ वार्डन, बट क्या फ्यूचर में हम होस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आपको? कितना मज़ा आया उस चीज़ का? आई थिंक एज अ होस्ट मुझे बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मैंने इससे पहले कभी किया है, पर जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लगा. स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट था, करण का साथ मुझे बहुत हेल्प किया है, तो ऑफकोर्स इट वॉज स्मूथ बिकॉज ऑफ इट. मैम, वी सॉ योर जर्नी इन बिग बॉस, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी आता था आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर ऑलवेज प्लेइंग द सेम माइक, कहां वो कहां, सेम टाइप ऑफ गेम. आगे आ जाओ ना, पूरा बॉडी जाना. मुझे नहीं पता कौन मेरी तरह इस शो को खेल रहा है या जो भी टीवी के, ऑनेस्टली आई वॉज माई सेल्फ, और ऐसे शोज में आप